हेलो दोस्तों, भाई क्या हाल है आप सभी लोगों के। आज हम लोग निकल चुके हैं किला परीक्षित गढ़ मंदिर की तरफ। भाई कहा जाता है कि यहाँ पे जो है कलयुग की शुरुआत हुई थी और यहाँ पे गंधारी जी का मंदिर है, तो आज हम वहाँ पे जा रहे हैं उसके दर्शन प्राप्त करने के लिए। तो चलो भाई चलते हैं। भाई अगर रास्ते की बात करूँ मैं तो यहाँ से यार ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रास्ता था और 22 किलोमीटर दूरी था सिर्फ मेरठ से, तो आप आराम से जा सकते हो। और लो भाई हम लोग पहुँच चुके हैं किला परीक्षित गढ़ रोड। आप ऐसे चले जाओ इस बोर्ड के नीचे से ही ऐसे। अच्छा भाई यहाँ पे हमने जो है सबसे पूछा और तब जाके हम लोग मंदिर की तरफ पहुँचे। और सही बताऊँ तो यार यहाँ पे पहुँचने में हमारे को काफी। अरे ये गंधारी वाला मंदिर कहाँ पर है? ये रास्ता जा रहा है, गाड़ी चली जाएगी। और ये भाई रास्ते की अगर मैं बात करूँ तो यार रास्ता तो काफ़ी ज़्यादा पतला था, मतलब यहाँ पे बड़ी गाड़ी नहीं आ सकती जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी हमारी गाड़ी तो यहाँ पे आराम से चली गई थी। ये आ जाती है यहाँ पे मंदिर की एंट्रेंस, काफ़ी जाके अंदर जाके काफ़ी ज़्यादा मंदिर है, काफ़ी बड़ा मंदिर है। और ये आ जाती है यहाँ पे गांधारी की मूर्ति जिसे हम देख कर अब आगे निकल जाते हैं। और यहाँ पे काफ़ी बड़ा तालाब है जो कि सूख चुका है इस समय में। और यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा पुराना काल का शिवलिंग है जिसकी कहा जाते थे कि यहाँ पे जो है गांधारी पूजा करती थी। और यहाँ पे सिंह और हमारे नंदी बाबा यहाँ पे स्थापित करे गए हैं उसी समय के। और अब हम आगे चलते हैं मंदिर दर्शन करने के लिए। यहाँ पे एक महाकाल जी का मंदिर है, साथ ही में यहाँ पे साईं बाबा जी का मंदिर है, और मैं यहाँ पे आपको बाबा मोहन राम जी के मंदिर के भी दर्शन कराने वाला हूँ। तो सारे दर्शनों के लिए आप बिल्कुल तैयार रहिएगा और मैं आपको सारे दर्शन कराऊँगा। तो यहाँ पे हम पहले आ जाते हैं बाबा महाकालेश्वर मंदिर में। तो यार जैसे मैंने यहाँ पे पैर रखा ना, मतलब एक अलग ही पॉजिटिव वाइब यहाँ से मुझे महसूस हो रही थी। मतलब यार ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब से भरा हुआ मंदिर है। मतलब यहाँ पर अगर आप आओगे ना, यहाँ पे आना ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब है। और मंदिर यहाँ पे कुछ ऐसा है, बाहर से बंद हो रखा था, अंदर हमारे बाबा हैं। और साथ में बाहर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे हमारे नंदी बाबा भी बैठे हुए हैं। थोड़ा सा एक नज़ारा देखा जाए तो भाई दूर दूर तक सिर्फ खेत ही खेत हैं, और इस पूरे जगह पे हमारा मंदिर बीच में है। और अब हम अंदर आते हैं तो अंदर से आप देख लो शिवलिंग हमारे बाबा का, और यह छोटा सा मंदिर है। फिर हम चलते हैं साईनाथ मंदिर, तो यहाँ कुछ ऐसी एंट्रेंस है। अब अंदर चलते हैं बाबा के दर्शन करें तो बाबा की मूर्ति काफ़ी ज़्यादा पुरानी और काफ़ी ज़्यादा प्राचीन लग रही थी। फिर हम आ जाते हैं बाबा मोहन राम जी के मंदिर में। मंदिर बनता तो हमने बाहर से ही बहुत प्यारे दर्शन उनके करे, उनके दर्शन करके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। फिर यहाँ पे हमारे को हमारे देश का तिरंगा भी दिखता है जिसे देख के भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और अब हम निकलते हैं आगे दर्शन करने के लिए। हमें पता चलता है कि यहाँ पे एक सुरंग भी है जो कि उस पुराने समय की, जो कि हस्तनापुर से कनेक्टेड है, पर ये बंद थी इसलिए मैं आपको पूरी दिखा। तो चलो भाई अब हम लोग चलते हैं ऋषि श्रृंगी आश्रम, जो कि कहा जाता है कि भाई यहाँ से उस आश्रम से जो है ना कलयुग की शुरुआत हुई थी। तो अब हम उस मंदिर के भी दर्शन प्राप्त करने के लिए निकल पड़ते हैं। तो अब भाई हम लोग मंदिर में पहुँच चुके हैं। ये काफ़ी ज़्यादा पुराना आश्रम है और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग भी आए हुए हैं दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे कमल सरोवर भी है। तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बंदर तो काफ़ी सारे थे जिसके कारण निकल नहीं पाए, बट जैसे जैसे हम लोग निकल जाते हैं दर्शन करने के लिए। तो अगर मैं आपको इस कमल सरोवर का एक मिथ बताता हूँ कि यहाँ पे कहते हैं कि अगर कोई 7 दिन तक यहाँ पे लगातार नहाता है तो उसकी स्किन डिजीज़ ख़त्म हो जाती है। अब ये मिथ है वो मुझे पता नहीं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और यहाँ पे ये मंदिर के बाहर एक बहुत ज़्यादा पुराना और काफ़ी ज़्यादा बड़ा पेड़ है जो कि हज़ारों साल पुराना है। मतलब ये उस समय का पेड़ है और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है पेड़। इसके भी हम लोग दर्शन करते हैं, इसे छूते हैं और इससे थोड़ा सा मतलब आशीर्वाद लेते हैं इस पेड़ से अपने आगे अच्छी लाइफ के लिए। तो यहाँ पे एक ऐसे मिथ है, इसके बारे में मुझे कमेंट में ज़रूर बताना अगर आप लोगों को ज़रा सी भी नॉलेज है। फिर हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि मंदिर में बंदर काफ़ी थे जिसके कारण हम मंदिर में अंदर नहीं जा पाए। फिर हम लोग निकल जाते हैं और भाई बीच रास्ते में एक खुशी की बात बताऊँ तो पापा ने मुझे गाड़ी दे दी थी चलाने के लिए, जिसे चला के मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आया। भाई यहीं से अब हमारे जो है दर्शन ख़त्म हो चुके हैं किला परीक्षित गढ़ के। अगर आपको और भी कुछ इस जगह के बारे में पता है तो कमेंट में ज़रूर बताना, हम उसे आगे एक्सप्लोर करने चलेंगे। और अगली वीडियो उसके लिए आप लोग कमेंट में बताओ कि मैं अगली क्या वीडियो ऐसी डालूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय गाइज़।